your physical education teachers, and today's unit first planning in sports and topics is tournament. Okay, yes, tournaments. आपके tournaments three types के होते हैं, knockout, league and combination tournament. तो हम सबसे पहले knockout tournament की बात करते हैं. Knockout tournament आपको आपका elimination tournament भी बोल सकते हैं. Knockout tournament में जब कोई टीम हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उसको दूसरा चांस खेलने का नहीं मिलता है. ठीक है, ओके. तो नॉकआउट टूर्नामेंट्स में फिक्चर्स कैसे बनते हैं उसका कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ. आपको ये नोटबुक में नोट कर लेने हैं, ठीक है, कि कैसे नॉकआउट टूर्नामेंट में 22 कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं, अपर हाफ में 22 कितने देते हैं, लोअर हाफ में 22 कैसे देते हैं, पावर ऑफ टू क्या है, वो सब ये फॉर्मूलेज हैं. सबसे पहले आपका नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालोगे आप नंबर ऑफ मैचेस, तो इसमें n माइनस वन फॉर्मूला आएगा. जो n है वो आपका नंबर ऑफ टीम है, ठीक है, जितना भी आपका नंबर ऑफ टीम होगा आपको वहाँ माइनस कर देना है, वो आपका नंबर ऑफ मैचेस आ जाएगा. उसके बाद नंबर ऑफ 22, नंबर ऑफ 22 कैसे निकालते हैं, ठीक है, 22 क्या है, जब कोई टीम नहीं आता है तो दूसरी टीम को बाय देते हैं टूर्नामेंट में, ठीक है, तो वो 22 कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है आपका पावर ऑफ टू, नंबर ऑफ 22 इक्वल टू पावर ऑफ टू माइनस नंबर ऑफ टीम. पावर ऑफ टू आपका 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है, जितना भी पावर ऑफ टू होगा, ठीक, और उसको नंबर ऑफ टीम माइनस आपको करना है, वो आपका नंबर ऑफ 22 आ जाएगा टोटल. ठीक है, इसी प्रकार से आपका अपर हाफ में कितनी 22 देनी है उसके लिए आपका फॉर्मूला स्मॉल एन माइनस वन अपॉन टू, लोअर हाफ में एन प्लस वन टू अपॉन, ठीक है, ये सब आपके फॉर्मूलेज हैं, आपको नोटबुक में सबसे पहले पेज पर नोट करना है. ठीक है, एक हम नॉकआउट की बात करते हैं, तो नॉकआउट एक सिंपल नॉकआउट फिक्चर बनाते हैं. ठीक है, सिंपल नॉकआउट फिक्चर, हमने नंबर ऑफ टीम 4 ले लिया है. ठीक है, सिंपल नॉकआउट फिक्चर है, नंबर ऑफ टीम 4, टीम्स हमारी ए बी सी डी. आपको ये ध्यान रखना है, अगर टीम नंबर ऑफ 2 में है तो 22 नहीं देंगे, ये बहुत नोट कर लेना पॉइंट को. अगर टीम्स नंबर ऑफ पावर ऑफ टू में है तो 22 नहीं देंगे, तो पावर ऑफ टू में है टोटल 4, टीम्स हमारा ए बी सी डी. ओके, तो ये हमने टीम नोट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये पिक्चर ड्रॉ कर दिया है. ओके, ए बी सी डी, पहले ए और बी का मैच करा दिया, उसके बाद सी एंड डी का, जो ए और बी में से विनर होगा वो टीम इधर बाहर आ जाएगा, जो सी और डी में, तो उसके बाद हम उसके बाद फाइनल मैचेस करा देंगे. ओके, तो आपको ये जो फॉर्मूलेज हैं सबसे पहले ये लिखने हैं आपको फर्स्ट पेज पर नोटबुक पे, उसके बाद हम नॉकआउट फिक्चर्स बनाना स्टार्ट करेंगे. एक सिंपल नॉकआउट फिक्चर आपको मैंने बता दिया है, उसके बाद अदर नंबर ऑफ टीम लेंगे, उसके बाद फिक्चर बनाएंगे, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बलविंदर सिंह, योर फिजिकल एजुकेशन टीचर. ओके, तो हम नॉकआउट फिक्चर्स की बात कर रहे थे, एक हम और सिंपल नॉकआउट फिक्चर का एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ टीम हमारे हैं 8. ठीक है, नंबर ऑफ टीम कितना है, 8 नंबर ऑफ टीम है हमारी, टीम्स हमारा हो गया ए से लेके एस टू, ए टू एस. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ टीम, टीम्स हमारी होगी ए टू एस. 8 क्या है हमारा, पावर ऑफ टू में आता है 8. ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32, 64. ठीक है, 8 आया है तो हम 22 नहीं देंगे. अगर मैंने बोला था जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें कि अगर टीम पावर ऑफ टू में है तो हमें 22 नहीं देनी है. ओके, तो 8 हमने 8 टीम्स यहाँ नोट कर ली है. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीम को डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे टीम को. ठीक है ना, 8 टीम है तो हाफ कर दिया, ये हमारा अपर हाफ हो गया. ठीक है, एंड ये हमारा लोअर हाफ. ओके, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, तो 4, 4, 14 डिवाइड हो गया है. उसमें पहला मैच हम ए बी का कराएंगे, उसके बाद सी एंड डी, उसके बाद ई एफ एन जी और एच. ठीक है, ए बी का मैच हो गया, सी डी का, ई एफ का, जी एच का. ठीक है, इसके बाद एक एक हो गया, फर्स्ट राउंड के मैचेस हो गए, ये फर्स्ट राउंड के मैचेस हमारे 4. उसके बाद सेकंड राउंड में जो टीम ए और बी में से विनर होगा वो, और जो सी और डी में से होगा फिर उसका मैच होगा उसके साथ, उसके बाद ई आर एफ जी एंड एच उसका मैच इससे होगा, जो भी टीम ई एफ में से विनर होगा उसका मैच जी या एच विनर टीम से होगा. उसके बाद ये हमारा जो भी इसमें से बाहर निकलेगा टीम फाइनल हो जाएगा. ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि
आपको मैचेस में ग्राउंड डेट एंड टाइम ये मेंशन करना है। अगर आप ग्राउंड डेट और टाइम मेंशन नहीं करोगे तो पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा मैच कौन से ग्राउंड में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ग्राउंड ग्राउंड नंबर 1 2 कुछ भी, पर सबका डिफरेंट ग्राउंड होना चाहिए, टाइम डिफरेंट होना चाहिए और आपका डेट डिफरेंट होना चाहिए, ओके। क्योंकि एक साथ हम एक मैचेस एक ही ग्राउंड पर नहीं करा सकते, इसलिए सब कुछ अलग होना चाहिए। ये आपका सिंपल नॉकआउट फिक्चर है, ठीक है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला था उसका, n माइनस 1, n क्या है हमारा नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ टीम टोटल कितना है हमारा 8, कितना है 8 माइनस 1, तो टोटल मैचेस हमारे 7, 7 हो गए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ टीम ओड, मतलब ओड नंबर ऑफ टीम में कैसे 22 दी जाती हैं, ठीक है। तो आज हम आपको ये सिंपल नॉकआउट फिक्चर बताया, नंबर ऑफ टीम 8 है हो गया, ठीक है। थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सिंपल नॉकआउट फिक्चर जिसमें नंबर ऑफ टीम 4 और 8 के बारे में मैंने बताया था, जो पावर ऑफ 2 में थी, ठीक है। अगर आपकी टीम ओड नंबर ऑफ टीम ओड ओड नंबर ऑफ टीम ओड 13 नंबर टीम है, तो आप नॉकआउट फिक्चर्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ 22, ठीक है ना, नंबर ऑफ 22 निकालना है कि कितना नंबर ऑफ 22 आएगा आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ 22 का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम, ठीक है। जो 13 है, 13 में 13 के पास पावर ऑफ नियरेस्ट वैल्यू है 16, 16, ठीक है। पावर ऑफ 2 2 4 8 16, तो 13 की जो नियरेस्ट वैल्यू है वो है 16 माइनस 13, तो 22 हमारी टोटल हो गया 3 22, ठीक है, टोटल 22 3। अब हम ये कैसे पता चलाएंगे कि अपर हाफ में कितनी 22 देनी है एंड लोअर हाफ में, तो फॉर्मूला आपका है अपर हाफ वाला, अपर हाफ इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो टोटल 22 नंबर ऑफ टीम कितना है 3, तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन एंड 1 22, अपर हाफ में कितनी 22 हो गया 1, ऐसे ही हम लोअर हाफ में 22 लगाएंगे n प्लस 1 अपॉन 2, तो लोअर हाफ में 2 22 आएंगे, ओके 2 22। ये हमारा एक अपर जो था कैसे 22 देनी है और अपर हाफ में कितनी आएंगी एंड लोअर हाफ में कितनी आएंगी, वो मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ टीम हमारा 13 है, ओके। तो टीम हमारा हो गया A to M, टीम से हमारी होगी A to, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ टीम्स A to M, ओके A to M, इसे लेके M तक हमने टीम लिख ली, A B C D E F G H M तक, ओके। तो इसमें क्या करना है, डिवाइड करना था। अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि पावर ऑफ टू में थी टीम 4 और 8, तो हमने हाफ डिवाइड कर दिया था, लेकिन अब क्या है, नंबर ऑफ टीम ओड है, तो ओड में क्या करते हैं, हम अपर हाफ में एक टीम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, अपर हाफ में एक टीम ज़्यादा लेनी है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ 7 टीम हो गया और नीचे 6, तो अपर हाफ में एक टीम हमारा ज़्यादा हो गया अगर नंबर ऑफ टीम ओड आ जाता है, ठीक है, अपर हाफ में एक टीम ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद 22 कैसे देते हैं, नंबर ऑफ 22 कितना है हमारा 3, तो 22 कैसे देंगे, वो क्या प्रोसीजर है उसका 22 देने का, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले हम जो हमारे लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम M वहाँ 22 देंगे, लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली टीम को 22 देंगे। उसके बाद अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को 22 देंगे, अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को 22 देंगे, यहाँ पर M को दे दिए, यहाँ पे A को बाई 1 एंड बाई 2, ठीक है। उसके बाद लोअर हाफ के सबसे ऊपर वाली टीम को 22 दी जाएगी, H को बाई दिया बाई नंबर 3, टोटल 22 हो गया हमारी 3, कितनी 22 देनी थी 3, ओके। तो ये हमारा, और ऐसे ही अगर 22 और हो 5 हो 7 हो, यही प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है, कि पहले नीचे लोअर हाफ के सबसे नीचे 22 देनी है, फिर सबसे ऊपर, फिर लोअर हाफ के सबसे ऊपर, फिर अपर हाफ के सबसे नीचे, यही प्रोसीजर चलता रहेगा, ठीक है ना, 22 देने का।
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे और 22 दिए जाते हैं, ठीक है। तो फिक्सचर्स कैसे बनाना है नॉकआउट का, ए बी मतलब बाई वाली टीम का फर्स्ट राउंड में मैचेस नहीं होता है, ओके, 22 को हमेशा सेकंड वाले मैच में। तो पहले बी और सी का मैच हो गया, डी एंड ई एफ एंड जी, उसके बाद आई जे के और एल, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट राउंड के मैचेस हो गए हैं, फर्स्ट राउंड के मैचेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड के मैचेस में जो ए है बाई टू है, उसको जिस टीमों को इस टीम से खिलाना है जो विनर होगा, उसके बाद जो इस टीम में से डी और ई में से विनर होगा उसको एफ और जी में से उसका यहाँ कर होगा मैच, उसके बाद बाई थ्री का एच का आई और जो में से विनर होगा उसका मैच, उसके बाद के एल एंड बाई, ठीक है, एक मैच ये हो गया, एक ये और एक ये, ओके। उसके बाद जो टीम हमारा यहाँ से निकलेगा और यहाँ से होगा उसका मैच होगा, उसके बाद इसका और इसका मैच होगा, उसके बाद जैसे ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट में हमारा फाइनल मैचेस हो जाएगा, ओके। तो यस, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने बोला था आपको जी डी टी मेंशन करना ना भूले, ग्राउंड डेट एंड टाइम मेंशन जून करें हर राउंड उसमें मैचेस में, ठीक है। ये मैचेस हैं आपके, यहाँ पर बॉक्स में आप जी टी डी लिख के टाइम मेंशन कर दें, डेट कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, बट आपको ये मेंशन करना है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको यस, इसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, टोटल ऑफ नंबर ऑफ मैचेस फॉर्मूला क्या होता है उसका, टोटल नंबर ऑफ मैचेस का n माइनस वन, ट्वेल्व, आई थिंक 12 मैचेस होंगे, आपको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, ठीक है, तो आपके 12 मैचेस हो गए हैं, ठीक है, थैंक यू।